तो क्या होता है कि आपके जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं मीन्स जो आपके लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं या जो लिविंग बींग्स होते हैं ये आपके पर्टिकुलरली जो आपके एटमोसफेयर के अंदर डायरेक्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं नाइट्रोजन जो होती है नाइट्रोजन जो होती है इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं इसीलिए इसको क्या किया जाता है इसकी फिक्सेशन की जाती है तो जो पर्टिकुलर फिक्सेशन आपकी बायोटिक या हम कह सकते हैं बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है उसको हम बोल देते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अब अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली कि आपकी जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं अगर हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया की जिनको हम स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं इनका एक्चुअल में रोल क्या होता है तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो जैसे आपका होता है राइजोबियम जैसे हम बात करते हैं एजोटोबैक्टर या आपका जो साइनो बैक्टीरिया होता है तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं ये आपके क्या करते हैं ये पर्टिकुलरली फिक्स करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो आपके एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया के अंदर तो इनका क्या रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये इस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं अब अगर हम बात करते हैं ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये आपके क्या हो सकते हैं ये आपके सिम एसोसिएशन भी शो कर सकते हैं जिसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं सो दिस इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विद दिस थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी तक स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर